मोल्ड के बाद, उसके बाद पढ़ने के बाद हमें केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोल है क्या? इट इज यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होती है? यूनिट होती है सब्सटेंस की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोल। तो आपको पता है जो सब्सटेंस की यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। देखो वैसे हम इसके बारे में बेसिस पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज क्या है, क्यों यूज लेते हैं, आपको पता है केमिस्ट्री में जो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहां पर जो अमाउंट लेते हैं वो मोल की टर्म में लिया जाता है, क्योंकि इसे स्पेशल केमिस्ट्री के लिए ड्राइव किया गया था इस यूनिट को। क्योंकि जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं सब्सटेंस को या रिएक्टेंट जो भी लेते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, तो वहां पर हमें जो अमाउंट लेनी पड़ती है तो हम एटम लेते हैं। और आपको पता है एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनको हम अपनी नेक आई से देख नहीं सकते। तो सोच के देखो कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम उसके लिए एटम रिक्वायरमेंट होते हैं। कोई कहते हैं 10 एटम इसके, 10 एटम ए, 10 एटम बी, तो हम ऐसे सेपरेट एटम नहीं ले सकते। तो उसका जो सॉल्यूशन निकाला जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि हमने एक सब्सटेंस की एक अलग यूनिट बनाई मोल। जैसे एक दर्जन होती है 12 पार्ट होते हैं, पेयर होते हैं 2 होते हैं, ऐसे इन्होंने सब्सटेंस की यूनिट बनाई मोल। और आपको पता है जो एक मोल होता है उसका मतलब क्या है? जो एक मोल होता है उसका मतलब है क्या होता है? तो देखो आपको पता है जैसे हम बोलते हैं 1 मोल, हमने बोल दिया पर 1 मोल। अब इस 1 मोल का मतलब क्या हो सकता है? इस 1 मोल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखो 1 मोल को हम डिफाइन करने से पहले, या हम मोल को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले बताते हैं मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो जो मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास सिंपल होता है एन इज इक्वल, क्योंकि मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मास, या हम ये कह सकते हैं गिवन मास अपॉन में क्या होगा? एटॉमिक मास। क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। इससे हम मोल को इजिली सोल्व कर सकते हैं, मोल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे? गिवन मास है आपको, जो भी मास गिवन है उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर हमारे पास एटम है तो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है? मोल आ जाती है। अब आपको पता चल गया मोल कैसे सोल्व करते हैं। अब जो हमारे पास जो मोल होता है ना किसकी इक्वल होता है? जैसे मैंने यहां पर लिखा था 1 मोल, तो हमारे पास जो 1 मोल होता है या 1 मोल का मतलब क्या होता है हम उसको कैसे बताएं? तो देखो इसको एक शॉर्ट तरीका मैंने निकाला उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। तो मोल को हम देखो कैसे बताएंगे 1 बाय 1। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास मोल है उसका मतलब क्या होता है? Na। Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। जो हमारे पास 1 मोल होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है 10^23 पार्टिकल। अब पार्टिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, याद रखना पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। 1 मोल का मतलब, या इतना एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? क्लियर। दूसरा जो 1 मोल होता है ना वो होता है ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ग्राम एटॉमिक मास। जो 1 मोल होता है वो एक ग्राम एटॉमिक मास की कुल होता है, किसी का भी हो सकता है, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल। देखो यहां पर मैंने एटॉमिक मास नहीं लिखा, ग्राम एटॉमिक, क्योंकि जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। नेक्स्ट ये किसके इक्वल हो सकता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये इसकी इक्वल भी होता है। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक मोल इसके बराबर भी होता है, एक मोल इसके बराबर भी होता है, एक मोल हमारे पास इसके बराबर होता है, और एक हमारे पास है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 20.4 लीटर। तो यहां पर हम याद रखना एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर देखो तो एक मोल है, हमने सबसे पहले आपको बताया क्या मोल कैसे निकलता है, तो एक मोल किसके इक्वल होता है, देखो इन सबके इक्वल होता है एक मोल। एक मोल देखो 22.4 लीटर के बराबर होता है। इंटरनल वॉल्यूम ये ओनली होता है गैसेस के लिए, हम यूज करते हैं ओनली गैसेस के लिए, और ये किस में होता है वॉल्यूम की टर्म में होता है। आप क्लियर, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और उसका मतलब होता है इतने पार्टिकल, वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मतलब 6.022 × 10^23 एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक मोल किसके बराबर हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर भी हो सकता है, एक मोल किसके बराबर हो सकता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी हो सकता है। जब मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसको सोल्व कैसे करें, देखो हर पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास इसका हम एक फॉर्मूला या एक चार्ट ड्राइव करते हैं, उससे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ध्यान से देखना, जैसे आपको पता है ये हमारे पास क्या है मोल है, यहां पर क्या होगा मोल। अब ये जो मोल होता है ना, आप अगर आप देखोगे तो जो मोल होते हैं, ध्यान से देखना, अगर इस मोल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एवोगैड्रो नंबर से, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे पास क्या आ जाते हैं नंबर ओ एटम और मॉलिक्यूल्स, क्या आ जाते हैं मेरे पास नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, हमारे पास क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर इन्हीं नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स को मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से तो मेरे पास क्या आ जाते हैं मोल आ जाते हैं, मेरे पास क्या आ जाते हैं मोल आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर जो मोल है मैं इसको 22.4 लीटर से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है वॉल्यूम आ जाता है, क्या आ जाता है वॉल्यूम। अगर मैं मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देता तो मोल वॉल्यूम आ जाता है। अगर इसी वॉल्यूम को मैं 22.4 लीटर से क्या कर देता हूं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा यहां पर मोल आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जब जो मोल होते हैं ना, अब जो मोल होते हैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई कर देता हूं एम डॉट एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, तो मेरे पास आ जाता है गिवन मास, क्या आ जाता है गिवन मास आ जाता है मॉलिक्यूलर, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं मॉलिक्यूलर मास को इससे गिवन मास को तो मेरे पास क्या आ जाते हैं मोल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं मोल आ जाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एटोमिसिटी। तो अब डिफाइन करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। तो दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल आपको बोर्ड पे दिखाते हैं, जैसे CH4, इसमें एक कार्बन होता है चार हाइड्रोजन होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 5। CO2, इसमें एक कार्बन होते हैं दो ऑक्सीजन होते हैं, कितने होंगे 3 एटोमिसिटी। वाटर, वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 3। फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं वेपर डेंसिटी। जो वेपर डेंसिटी है इसका मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय उसकी जो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, अब वेपर डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वो वेपर डेंसिटी आ जाती है।
और यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। कई बार ने क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको वेपर डेंसिटी दी हुई होती है और वो कहता है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो उसके बेसिस पे हमने ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट बताया है। अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ आपको एग्जांपल करके दिखा रहे हैं, उन एग्जांपल के बेसिस पे आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना ईजी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वाटर ड्रॉप लेते हैं, क्लियर। तो जो वाटर ड्रॉप है ना उसका मास गिवन है 0.018 ग्राम, ये मास गिवन है। अब इसमें आपसे देखो क्या क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस वाटर ड्रॉप में जिसका मास 0.018 ग्राम है उसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और साथ में पूछा गया है कि जो वाटर ड्रॉप है वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ हमें क्या क्या सॉल्व करना है या कैलकुलेट करना है। एक तो हमने नंबर ऑफ एटम, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई वाटर ड्रॉप। तो देखो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले इसमें मोल निकालते हैं और आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो पता ही है कितना होता है 18 ग्राम, जिसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम निकालते हैं वाटर का मोल, वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने आते हैं। तो आपको पता है वाटर के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो हमने गिवन मास लिखा और उसको वाटर के मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता कितना होता है, 18 से डिवाइड कर रहे हैं। अब तो हमारे पास जो मोल आए ना वो आए 0.001। आपको पता है जो मोल है उसकी यूनिट भी क्या होती है, मोल्स होती है, इसलिए लिखते हैं हम, क्लियर। तो जैसे मोल्स होती है उसकी यूनिट MOLE लिखते हैं, तो इसलिए देखो मैंने जो 0.001 लिखा है इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। अब सबसे पहले हम जो निकालेंगे ना वो निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, वाटर H2 हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, हम सबसे पहले एटम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मोल तो सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको देखो चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकालते हैं, अगर आपको मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास क्या आया, 6.022 × 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हमारे पास इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्लियर। अब हम निकालेंगे इसमें क्या निकालेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एटम। तो आपको पता है वाटर की एटोमिसिटी क्या होती है, आपको पता है वाटर की एटोमिसिटी क्या होती है, 3। ओके, तो आपको पता है जो वाटर की एटोमिसिटी 3 होती है, तो आपको पता है जब एक वाटर मॉलिक्यूल्स 3 एटम को कंटेन करता है या उसके पास 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताओ 6.022 × 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने एटम कंटेन करेगा। तो सिंपल सा मेथड है कि हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उसको एटोमिसिटी ऑफ वाटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एटम इन ए वाटर ड्रॉप, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन वन वाटर ड्रॉप, या हम ये कह सकते हैं 0.018 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, 3 × 6.022 × 10^20। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं वॉल्यूम, जो ये वाटर ड्रॉप है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है चार्ट में, अगर हम मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 0.001 मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.0224 लीटर, क्लियर। तो देखो हमने तीनों क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लिए हैं,
तीन चीजें पूछी गई थी एक वाटर ड्रॉप में, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी वाटर ड्रॉप। तो आपने देखा कितना इजी है इसको सॉल्व।